क्या IVF के जरिए पैदा हुए बच्चे नॉर्मल होते हैं? आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली हेल्थ केयर में। दोस्तों, एंजॉय कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप को, जहां पर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं एक साथ और सबसे पहले। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे, रामबाण इलाजों और हेल्थ टिप्स के वीडियोस फुल HD में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप। निसंतान दंपतियों के लिए IVF सबसे वैज्ञानिक और सुरक्षित तकनीक है, लेकिन इसको लेकर दुनिया भर खास करके भारत में कई तरह के मिथ प्रचलित हैं। इस संबंध में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यह है कि क्या IVF के जरिए बच्चा जो पैदा होता है वो नॉर्मल होता है। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इसमें अंडों के फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य नहीं होती। इसमें अंडे को लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, फिर 2 से 5 दिन में भ्रूण को गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। भले ही भ्रूण को लैब में तैयार किया जाता है, लेकिन भ्रूण का पूरा विकास माँ के गर्भ में ही होता है। भ्रूण का विकास उसी तरह होता है जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। इसलिए IVF के जरिए गर्भवती हुई महिला को पूरा वही अनुभव होता है जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास उसी तरह से होता है जैसे प्राकृतिक प्रेगनेंसी में बच्चे का होता है। बच्चे का जन्म भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है। इसलिए यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि IVF बेबी नॉर्मल नहीं होता, ये बेबी पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं। IVF को लेकर कुछ अन्य मिथ भी हैं। आइए जानते हैं क्या है सच। पहला मिथ, IVF प्रेगनेंसी में सिजेरियन से ही बच्चे का जन्म होता है। फैक्ट है कि IVF में भ्रूण को तैयार केवल बाहर किया जाता है। इसका विकास उसी तरह गर्भाशय में होता है जैसे सामान्य प्रेगनेंसी में होता है। इसलिए इसमें सिजेरियन की उतनी ही संभावना होती है जितने की नॉर्मल प्रेगनेंसी में होती है। मिथ नंबर 2, IVF से अबॉर्शन की संभावना ज्यादा होती है। फैक्ट है, सामान्य तरीके से हुई प्रेगनेंसी में भी अबॉर्शन की संभावना 10% तक होती है। IVF में भी अबॉर्शन की संभावना इतनी ही होती है, ज्यादा नहीं। IVF केवल फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, बाद में इसमें भी सब कुछ वैसा ही होता है जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। मिथ नंबर 3, यह केवल युवा दंपतियों के लिए उपयोगी होता है। फैक्ट है कि इस टेक्निक में अधिक उम्र की महिलाएं, यहाँ तक कि मेनोपॉज के बाद भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। मेनोपॉज वाली महिलाओं को इसके लिए डोनर अंडों की जरूरत पड़ती है। मिथ नंबर 4, IVF के बाद महिला को 9 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ता है। और फैक्ट है कि IVF केवल प्रेग्नेंट होने की प्रक्रिया होती है। अगर एक बार भ्रूण गर्भाशय में आ गया तो इसके बाद बच्चे का विकास उसी तरह से होता है जैसा सामान्य प्रेगनेंसी में होता है। यानी डॉक्टर जो काम सामान्य प्रेगनेंसी में करना अलाउ करता है, वही काम प्रेग्नेंट महिला अपने डॉक्टर की सलाह से IVF से हुई प्रेगनेंसी के दौरान भी कर सकती है। मिथ नंबर 5, IVF में सभी अंडे खत्म हो जाते हैं और महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। हर महीने महिला को एवरेज 25 से 30 अंडे निकलते हैं। इसमें से फर्टिलाइजेशन के लिए केवल एक ही अंडा बड़ा होता है, बाकी सारे अंडे अपने आप खत्म हो जाते हैं। यह बड़ा अंडा भी अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो खत्म हो जाता है। IVF में भी सभी अंडे निकाल दिए जाते हैं, चूँकि वे ऐसे भी खत्म होने वाले होते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर IVF के लिए अंडे निकाल लिए गए हैं तो अगले महीने नहीं बनेंगे, ये अंडे अगले महीने फिर से बनेंगे। मेनोपॉज वाली धारणा बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप।